नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। तीसरे चरण के चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़े ही शायराना अंदाज में योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने क्या कहा, देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनावों में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। बता दें कि तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वैसे तो चुनाव का हर चरण अहम है, साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इस चरण में जिस पार्टी ने बढ़त बनाई है, सत्ता की चाबी भी उसी के पास जाने की उम्मीद है। तीसरे चरण के चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब लाना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से भी लंबा हो जाना। बता दें कि यूपी में दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और अब यादव लैंड में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है। यहां प्रचार के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यादव बहुल इस इलाके में जीत और हार लखनऊ की दौड़ के लिए बहुत अहम है। अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यकर्ता को जीत का मंत्र दे रहे हैं। गौरतलब है कि तीसरे चरण की 59 सीटों में से 30 यानी आधी सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल आबादी वाली हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यादवों के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की थी और 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से सिर्फ 8 सीटें ही आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात बेहद अलग हैं, इसलिए हर कोई अपने अपने तेवर और तर्कों से वोटरों को लुभाने में जुटा है। लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होती है, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा, जब यूपी के नतीजे आएंगे। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।